जाओ परीक्षा लेने। सती बोली में परीक्षा लेने जाओ। सती परीक्षा लेने के लिए गई राम, तीन आदमी का परीक्षा ने ली विश्वास की, माँ बाप का परीक्षा ने ली, गुरु का परीक्षा ने ली, भगवान का परीक्षा कभी नहीं ली। माँ बाप गुरु ईश्वर ये स्वतंत्र सत्ता है, इसका परीक्षा लीजिएगा तो आप फेल कर जाएंगे। सती बोली आप बोले थे, परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा सबके हृदय में रमने वाले हैं, परमात्मा का जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, परमात्मा जवान नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, परमात्मा का क्रिया श्राद्ध बरखी नहीं होता है। ये रोने वाले कौन भगवान आपका है? भोला वाले का देवी जब जब धरती पर पापी लोग का जन्म होता है, पापी लोग जब पाप का ढेर लगा देते हैं तो भगवान निराकार रहते हुए साकार रूप में अवतार लेते हैं, पापियों का संहार करते हैं, भक्त लोगों का उद्धार करते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म पुरु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर पापी का जन्म होता है, पाप कर्म करते हैं, उसी का संहार के लिए जन्म लेते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, पापियों का संहार। परमात्मा हाथ में दो चीज रखे, एक शस्त्र एक शास्त्र, रामायण गीता भागवत वेद पुराण ये शास्त्र है जो साधु संत समझाते हैं, जो नहीं समझता है तो परमात्मा तीर रखते हैं, धनुष बाण रखते हैं, भाला गड़ा सा फरसा सब रखते हैं दुष्टों को मारने के लिए। ऐसे नहीं समझेगा कैसे समझो, जैसे रावण को मारा, जैसे कंस को मारा, जैसे शिशुपाल को मारा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को मारा। राक्षस किसे कहते हैं? जो साधु को नहीं मानते हैं, जो माँ बाप को नहीं मानते हैं, जो अपनी पत्नी को नहीं मानते हैं, दूसरे पत्नी को मानते हैं, वही राक्षस। बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निशिचर सब जानो पड़ा। भोला बाबा ने कहा है वह अजन्मा अगोचर निराकार, लेकिन जब जब पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार होता है तब भगवान का अवतार होता है। प्रणाम करो, सती बोली प्रणाम मैं नहीं करूं। राम है कि नहीं है रोने धोने वाले, पत्नी खो गया है अपने पत्नी को खोज रहा है, ये कौन राम? कहा पत्नी उसका कहीं गया नहीं, पत्नी को वो कहीं रखे हैं। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। भगवान लीला कर रहे हैं,
राक्षसों को मारने के लिए प्रणाम करो। सती बोली, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। भोला बाबा ने कहा ये काम करो, जाओ परीक्षा ले लो राम है कि नहीं। कहा हाँ, परीक्षा लेने जाऊंगी। सज्जनों, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। जैसे जाई मोह भ्रम भारी कहे उसो जतनु विवेक विचार। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करे उसो जतन विवेक विचार। चली सती शिव आयस पाई करहि विचार करो तहां संभो यस मन यत परीक्षा। सती बोली, में परीक्षा लेने जाओ। सती परीक्षा लेने के लिए गई राम। तीन आदमी का परीक्षा ने ली विश्वास की, मां बाप का परीक्षा ने ली और गुरु का परीक्षा ने ली। भगवान का परीक्षा कभी नहीं ली। मां बाप गुरु ईश्वर ये स्वतंत्र सत्ता है, इसका परीक्षा लीजिएगा तो आप फेल कर जाएंगे। सती सीता बन करके गई, सीता जी बन करके चली गई। यदि राम होंगे असली तो पहचान लेंगे, नकली होंगे तो ये पहचान। सीता बन करके गई, राम को तो छोड़िए, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। जोड़ी पाणी प्रभु किन्ह प्रणाम पिता समेत लिन्ह निज नाम। भगवान राम ने देखा कि सती माता आ रही है परीक्षा लेने की, जो परीक्षा लेने आवे तो गुरु है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम ने जाकर सती को प्रणाम कर तुरंत कह दिया, माताजी मेरा नाम राम, ये छोटे भाई लक्ष्मण अयोध्या नरेश राजा दशरथ का मैं बेटा। अच्छा माँ, तुम अकेली घूम रही हो, बैल पर बैठने वाले देवाधिदेव महादेव वृष के तू कहाँ है? सती लज्जित हो गई, लजा गई, आंख बंद करके बैठ गई। आंख बंद होने के बाद राम लक्ष्मण को देखा, ब्रह्मांड को देखा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा को देखा। जिस राम को बाहर में देखा उस राम के सेवा में हजारों रूपी महात्मा लगे हुए। सती रोने लगी, तब भगवान अपने माया को समेट लिया। सती लौट कर आती है भोला बाबा के पास। भोला बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा ली। सती झूठ बोली, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई किन्हें प्रणाम
तुम्हारी ना बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई कभी किसी से प्यार तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो किन्हें चरित सबु जाना। भोला बाबा ने ध्यान में देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया। भोला बाबा ने सती को त्याग दिया। सती को त्याग दिया। सज्जनों त्यागने के बाद सती अब भोला बाबा से सदा के लिए सज्जनों बिछुड़ गए। भोला बाबा सती को लेकर कैलाश पर्वत पर आए। भोला बाबा ध्यान में बैठे 87,000 बरस तक बैठले रह गए। आप आइए सज्जनों, गृह स्वामी हमारे संतोष बाबू के बड़ा भाई शिक्षक साहब संजय बाबू बड़े उदार हृदय से 511 रुपये दान सूत्र में दिए हैं। गुरु महाराज की ओर से, गुरुदेव भगवान की ओर से लाख लाख धन्यवाद। और संतोष बाबू आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि उधर का काम हो गया है तो एक बार मेरे पास भी आइए। भोला बाबा 87,000 वर्ष के बाद ध्यान तोड़े कहाँ कैलाश पर्वत पर। और उसी समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया था यानी सती के पिताजी। और सती भोला बाबा को निमंत्रण नहीं दिया था। तो सती को पता चली कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो सती बोली, पतिदेव मैं अपने नैहर जाऊंगी पिता के यज्ञ में। भोला बाबा ने कहा, तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए मत जाओ। बिन बुलाए ना जाहु भवानी, मिलही न वहां लोटा पानी। जाग जाजन में बिना बुलाए मत जाओ। निमंत्रण मिले तब लेकिन सती बात काट करके नहीं हट गई। नैहर में उसका सम्मान नहीं हुआ। पिताजी बिगड़े, भाई बिगड़े, तुमको निमंत्रण नहीं दिया था, क्यों चली आई?
सती यज्ञशाला में जब गई तो वहां महादेव का अस्त